अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ एपिसोड नंबर 60 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है हमारा न्याजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है न्याजी इंटरचेंज से सगियाँ, दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर, मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का लाहौर। और डेली प्रोजेक्ट के लिहाज से मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे मेज़ान बैंक वाले पेडेस्टेरियन सबवे के बिल्कुल पास। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा सेंटर बैरियर बनाने वाली मशीन जो है माशाल्लाह से यहाँ तक पहुँच चुकी है। और अभी फर्दर इससे आगे मशीन तभी जा सकेगी जब ये रोड जो है ये मुकम्मल रेडी कर लिया जाएगा एसफाल्ट के लिए, जैसे ये रोड तैयार है। क्योंकि जब मशीन मूव करती है तो इसके अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो बकायदा एक लेवल से इस बैरियर को प्लेस करते हैं, और बैरियर को प्लेस करने के लिए मशीन को सेटेबिलिटी लाजमी चाहिए कि अगर जगह हमवार होगी तभी बैरियर सही तरीके से और मुकम्मल अपनी अलाइनमेंट के अंदर ही प्लेस किया जा सकेगा। अदरवाइज़ अगर इस तरह की जगह होगी कि जहां पर ये पत्थर वगैरह और यानी अनइवन जगह होगी, ना हमवार होगी, तो वहां पर बैरियर प्लेस करने में मशीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ना सिर्फ मुश्किलात बल्कि वो काम भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा जो कि होना है, और बैरियर की लेंथ वेथ हाइट मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब होने का ख़दशा होता है। तो चलिए जी, अभी यहाँ से हमारे मस्जिद वाले सबवे की जानेब और उस सबवे से आगे चलते हैं और आपको प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करते जाते हैं। और फर्दर कल वाले सबवे यानी जहाँ तक कल एंड किया था उससे आगे डिसमेंटलिंग का जो स्टेटस है वो भी दिखाएँगे आपको। आज माशाल्लाह से लाहौर का मौसम कल की नस्बत ठंडा है और रोज़ेदारों के लिए आइडियल मौसम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला तमाम रोज़ेदारों की खैर फरमाए और हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा। तो कल इस जगह तक गालबन हमारा बैरियर हुआ था, लेकिन आज देखें इससे आगे तक मुकम्मल हो चुका है। और लेफ़्ट और राइट साइड पर फ्रिक्शन स्लैब के साथ साथ फुल विड्थ में जो है वो रोड तैयार हो चुका है, जबकि इस साइड पे आप देख सकते हैं अभी फ्रिक्शन स्लैब का स्टील जो है वो फिक्स होना है। और स्टील फिक्स होने के बाद फिर फ्रिक्शन स्लैब बनाई जाएगी और फिर ये रोड को फुल विड्थ में जो है रेडी किया जाएगा। ये तो यहाँ से आगे आगे जो है वो फ्रिक्शन स्लैब भी मुकम्मल है और फ्रिक्शन स्लैब के ऊपर जो है वो वाटर बाउंड का मटीरियल भी डाला जा रहा है और साथ ही साथ रोड को एस्फाल्ट के लिए रेडी भी किया जा रहा है। इससे पहले कि नेक्स्ट इंटर वाला है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा डस्ट से बचने के लिए। जैसे जैसे मटेरियल डाला जा रहा है साथ ही स्टोन डस्ट जो है वो स्प्रेड कर दिया जाता है खाका। और ये कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था और बाकी साथ ही साथ आगे भी रोड का काम जारी है। अगर बिल्कुल इसके अपोजिट बात की जाए तो ये साइड जो है लेफ़्ट साइड, मैं इस तरफ को आ गया हूँ, उस तरफ काम हो रहा था, तो ये साइड बिल्कुल एस्फाल्ट के लिए रेडी है और इसके ऊपर ब्रूमिंग भी जारी है। ब्रूमर जो है वो सफाई भी लगा रहा है साथ साथ, ताकि बिल्कुल इस रोड को एस्फाल्ट के लिए रेडी कर दिया जाए।
अभी राइट साइड जो है वो तकरीबन 100-150 मीटर रेडी हो रही है वाटर बाउंड के बाद एसफाल्ट के लिए, और बाकी एरिया जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तैयार है। बस लेफ़्ट और राइट साइड पे बैरियर रहता है अभी, बाकी एरिया एसफाल्ट के लिए रेडी है। और यहाँ से आगे आगे मस्जिद वाले सबवे तक दोनों अतराफ जो हैं वो फुल विड्थ में फ्रिक्शन स्लैब समेत बिल्कुल रेडी हैं एसफाल्ट के लिए, जबकि लेफ्ट और राइट साइड पे बैरियर जो है वो अभी रहता है। और बैरियर मस्जिद वाले सबवे तक पहुंचा है, ये भी कल मैंने आपको दिखाया था, अभी फिर फिज़िकली दिखा देता हूँ। अभी आज हम जाएंगे अगले हमारे पहले व्हीकुलर सबवे तक और फिर अपनी एपिसोड को माइंड अप करेंगे। बाकी साथ ही साथ आपको डिसमेंटलिंग का स्टेटस भी दिखाएंगे कि डिसमेंटलिंग कहाँ तक पहुँची है। कल जो है वो मस्जिद वाले सबवे तक आपको डिसमेंटलिंग बताई थी, अभी फर्दर आपको दिखाएंगे क्या स्टेटस है। जी तो मस्जिद वाले सबवे के साथ साथ देखें बैरियर प्लेस करना शुरू कर दिया गया है, और साथ ही साथ बैरियर प्लेस किया जा रहा है, और पीछे बैरियर कहाँ तक पहुँचा है इससे मस्जिद वाले सबवे की दूसरी तरफ वो दिखाते हैं आपको, और साथ ही साथ डिसमेंटलिंग का स्टेटस भी दिखाएंगे। जी तो ये मस्जिद वाले सबवे से आगे के हालात हैं कि लेफ़्ट साइड पे बैरियर जो है वो यहाँ तक बिल्कुल फिक्स हो चुका है, जबकि दूसरे तरफ अभी बैरियर की फिक्सिंग का काम अभी रहता है बाकी। तो चलिए आगे चलते हैं और साथ ही दोनों अतराफ आपको डिसमेंटलिंग का स्टेटस भी दिखाएंगे कि क्या डिसमेंटलिंग का स्टेटस है, और साथ ही साथ कहाँ कहाँ पर बैरियर फिक्स हो रहा है। और चलते हैं अगले सबवे तक और फिर उससे वापस आएंगे और हाइलाइट्स के साथ फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। ये देखें जी ये बैरियर फिक्स हो चुका है, और फिक्स होने के बाद जस्ट अब यहाँ पर इसको स्टिच किया जाना है, स्टिच बीम होना है और ओवरऑल आगे तक स्टिच होगा। डिसमेंटलिंग की बात करें तो यहाँ पर अभी प्रॉपर रोड की डिसमेंटलिंग नहीं हुई, जस्ट एग्जिस्टिंग नाले की जो स्लैब थी वो डिसमेंटल की गई है, और बाकी किसी और चीज़ को नहीं छेड़ा गया ख़ास। और बिल्कुल इसके अपोजिट अब जाते हैं, यानी दूसरे तरफ जहाँ पर किसी ज़माने वो पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा रहता था, उस तरफ जाते हैं और वहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं आपको कि वहाँ डिसमेंटलिंग का क्या है वो स्टेटस है। जी तो अभी मैं बिल्कुल उसके दूसरी तरफ आ गया हूँ, यानी ये छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है और ये साथ ही ये बड़ा सांधा स्टॉप के बिल्कुल साथ की जगह है, और यहाँ पर देखें जहाँ से मटेरियल रिमूव करके डिसमेंटल करके रिमूव कर दिया गया है, जबकि बिल्कुल जो स्टाफ है स्टाफ से आगे आगे, यानी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल जो रिमूव करना था रिमूव किया गया और उससे स्टील वगैरह निकाल लिया गया, लेकिन बाकी मलबा जो है वो फ़िलहाल अपनी जगह पर मौजूद है, अभी उस मलबे को रिमूव किया जाना है। और बाकी राइट साइड लेफ़्ट साइड पर जो है वो साथ साथ बैरियर की फिक्सिंग का काम भी जारी है, इस जगह अभी बैरियर अभी बाकी रहता है, तो शायद उस तरफ अभी ज़्यादा ज़ोर है, जैसे उस तरफ मुकम्मल कर लेंगे फिर इस अतराफ भी शुरू करेंगे। ये देखें ये साथ साथ बैरियर की फिक्सिंग का काम जो है वो जारी है, और दूसरे अतराफ जो है वो अभी फिक्स नहीं किया गया। और यहाँ से आगे आगे कि मैं बात कर रहा था कि ये एरिया जो है वो सिर्फ डिसमेंटल किया गया है, जबकि मटेरियल यहाँ से रिमूव नहीं है किया गया, जस्ट ये जो एग्जिस्टिंग नाला आपको नज़र आ रहा है इसकी स्लैब जो तोड़ी गई थी उस स्लैब से स्टील निकाल लिया गया है, जबकि बकिया जो एग्जिस्टिंग एसफाल्ट थी और जो कंक्रीट थी वो अभी तक यहीं पर मौजूद है, ये आप देखें, और जस्ट इसको रिमूव किया जाना है। आगे भी डिसमेंटलिंग का काम जारी है, तो कहाँ कहाँ पर जारी है वो भी दिखाते हैं आपको। बाकी हर जगह से लोग जो है वो कॉरिडोर से क्रॉस करना छोड़ गए हैं सिवाय इस जगह के, तो ये अभी भी देखें बच्चा भी गुजर रहा है, अभी एक बंदा पहले भी गुजरा था, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जगह पर तरजीही बुनियादों पर जो है वो पेडेस्ट्रियन सबवे पैदल गुजरने वालों के लिए लाजमी बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की अहम ज़रूरत था, यहाँ इस आबादी को उस तरफ आने जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और अगर ये
बना दिया जाता तो काफ़ी बेहतर था आवाम के लिए, क्योंकि आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवाम ऑलरेडी महंगाई और माशी मसाइल और मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुई है, तो ज़्यादा मसाइल में आप घेरेंगे तो ज़ाहिर है फिर परेशानियों में इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। जी तो मैं हमारे बड़ा सांधा वाले सब्वे पहले व्हीकुलर सब्वे तक पहुंच आया हूं, और ये देखें यहाँ पर कुछ बैरियर भी रहते हैं फ़िक्स होने वाले, अभी प्लेस कर दिए गए हैं, आने करीब फ़िक्स किए जाएंगे, और यहाँ से साथ साथ मटेरियल रिमूव भी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, जूम करके भी दिखा दूँगा। और ये ऐसे ही मटेरियल जो है वो ये सारा मटेरियल ये रिमूव किया जाएगा साथ ही साथ, और ये आगे तक जहाँ तक डिसमेंटलिंग हमारी हुई हुई है वहाँ तक मटेरियल को प्रॉपर रिमूव किया जाएगा। ये देखें डंपर लगे हुए हैं, और ये साथ ही डंपर को खड़ा किया जाता है और एक्सकवेटर की मदद से जो मटेरियल है डिसमेंटल शुदा वो डंपर के अंदर अनलोड किया जाता है, और फिर डंपर जो है वो डिस्पोज करके आता है मुतलका जगह तक। सेम ऐसी सिचुएशन दूसरी साइड पे भी होनी चाहिए, तो चलिए आपको दूसरी साइड पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ का क्या स्टेटस है, और फिर फर्दर हमारे अगले सबवे से उससे आगे दिखाएंगे आपको कि डिसमेंटलिंग का क्या स्टेटस है। जी तो ये सबवे सॉरी उस रोड की अपोजिट साइड है, यानी लेफ़्ट साइड हमारी, इस साइड पे देखें जैकैमर लगा हुआ है, डिसमेंटलिंग का काम शुरू कर दिया गया है, और यहाँ पर भी पहले एग्जिस्टिंग जो है वो बैरियर तोड़ा जा रहा है, और फिर साथ साथ एग्जिस्टिंग नाला भी तोड़ा जाएगा, और ऐसे ही तोड़ते तोड़ते जो है इस तरफ को भी ये एग्जिस्टिंग रोड जो है पहली लाइन आपको नज़र आ रही है ये भी साथ साथ डिसमेंटल की जाएगी। जी तो अभी मैं सबवे के ऊपर आ चुका हूँ, और सबवे से आपको दिखा रहा हूँ ये डिसमेंटलिंग के मनाजिर, सॉरी डिसमेंटलिंग के बाद जो मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है उसके मनाजिर आप देख रहे हैं, और यहाँ तक रिमूव कर दिया गया है, और यहाँ से उसने पीछे की तरफ शुरू किया है, और ये बड़ा सांधा स्टॉप तक जितना भी मटेरियल हमारा डिसमेंटल शुदा है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। बाकी इससे आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। सबवे से आगे की बात की जाए तो आगे भी देखें साथ साथ कहीं पर डिसमेंटलिंग के बाद मटेरियल रिमूव हो रहा है, और कहीं पर अभी भी डिसमेंटलिंग का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। बाकी ये पहले व्हीकुलर सबवे से पीछे पीछे जहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है अगर यहाँ की बात की जाए तो ये देखें बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है, साथ उसके स्टिच बीम भी मुकम्मल हो चुकी है। ये एक साइड लेफ़्ट साइड जो है ये दोनों अतराफ़ की इसकी एसवाल मुकम्मल हो चुकी है, फिर सेंटर बैरियर भी यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, फिर उसके आगे वाले भी जो राइट साइड की लेन है वो भी मुकम्मल हो चुकी है, और साथ उसके बैरियर जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। ये एक एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, सिवाय हमारे जो लाइट पोल हैं, लाइट पोल के अलावा तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हैं। तो चलिए जी वापसी की राह अख्तियार करते हैं, साथ साथ आपको हाईलाइट्स दिखाते जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम भले ठंडा है लेकिन रोज़ा तो फिर रोज़ा है, रोज़ा एक ढाल भी है, मशक्क़त भी है, और रोज़ा तो अपना इम्तिहान लाजमी लेता है, इसलिए रोज़े का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वापसी की राह अख्तियार करते हैं और साथ साथ आपको हाईलाइट्स दिखाते चलते हैं। तो कुछ मेरे मोजेज़ दोस्त जो हैं उनका कहना होता है कमेंट सेक्शन में कि काम की स्पीड स्लो हो चुकी है, और काम बहुत स्लो हो गया है पिछले पैकेज के मुकाबले में, ये काम बहुत स्लो है। तो उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि बात कुछ यूँ है कि पैकेज वन और पैकेज टू दो पैकेज थे इस प्रोजेक्ट के, और दोनों की काम की नवैयत जो है वो कदरे मुख्तलिफ है, वहाँ पर रोड का काम ज़्यादा है, यानी जहाँ पर फिलिंग होनी थी वो जगह कम है, और फिलिंग वाली जगह जो है वो मतलब फिलिंग वाली जगह कम है, रोड वाली जगह सॉरी ज़्यादा है, और यहाँ पर स्कोप और है काम का। और ज़ाहिर है एक और चीज़ आपको समझनी होगी कि ओवरऑल जब ज़्यादा काम मुकम्मल हो जाए तो
फिर जो फिनिशिंग वर्क होता है, छोटा मोटा बारीकी का काम, उसमें वाकई वक्त लगता है। उसके अलावा रमज़ान की टाइमिंग में आपको बताऊं कि सुबह की क्या टाइमिंग है। पहली शिफ्ट है सुबह 7 से शाम 4 बजे तक, उसके बाद ज़ाहिर है कि रमज़ान मुबारक है, इस्लामी मुल्क है, इफ्तारी करनी होती है। उसके बाद फिर फर्दर जो है वो 8 से 9 बजे यानी नमाज तरावी के बाद की पार्टी आ जाती है 9 बजे, और फिर सुबह सहरी तक जो है वो उनकी ड्यूटी है और वो फिर सहरी के बाद चले जाते हैं। तो ऐसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करके चलाया जा रहा है। 24/7 माह रमज़ान में काम को चलाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि कॉन्ट्रैक्टर एक मेन होता है, ठेकेदार, उसके बाद जो काम होते हैं यानी जैसे ये बैरियर लग रहा है उसके लिए वो छोटे ठेकेदारों को हायर करेगा। अगर 6 से 7 पार्टीज़ उसने हायर कर ली हैं और काम रह गया 1-2 पार्टी का, तो ज़ाहिर है वो दूसरी पार्टी को वो रिलीज़ कर देंगे, उनको क्लियर कर देंगे और बाकी एक ही पार्टी को लेकर चलेंगे। ज़ाहिर है कोई भी ठेकेदार अपना नुकसान नहीं करना चाहता, तो उससे लोगों को ये लगता है कि काम की स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। हालांकि काम उसी पेस से चल रहा होता है। हाँ, 100 में से 20% 30% आप कह सकते हैं। अभी ऐसे ऐसे जैसे फिनिशिंग वर्क और बारीकी का काम आएगा वो आपको यही फील होगा कि काम बहुत स्लो हो रहा है, और जब धड़ाधड़ फिलिंग हो रही थी मटेरियल की तब आपको लग रहा था काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है, क्योंकि हर काम की अलग अलग नौीयत होती है। तो चलिए जी आगे की जानिब चलते हैं और साथ साथ आपको बताते चलते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में। जी तो अगर पहले व्हीकुलर सबवे से दूसरे सबवे की बात की जाए काम की, तो ये देखें जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल प्रोजेक्ट की ये लेफ़्ट साइड है, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये लेफ़्ट साइड तैयार हो चुकी है हमारी, एस्फाल्ट मुकम्मल हो चुकी है और बैरियर भी लग चुका है, स्टिच बीम अभी होने वाली है। उस साइड पे भी एस्फाल्ट मुकम्मल हो चुकी है, बैरियर लगने वाला अभी रहता है, सेंटर बैरियर बिल्कुल मुकम्मल है। और आगे जाएं तो राइट साइड पे अभी बैरियर जो है वो लगने वाला अभी बाकी रहता है, जबकि लेफ़्ट साइड पे ओवरऑल लग चुका है। तो चलिए मस्जिद वाले सबवे तक चलते हैं और उससे आगे की हाईलाइट्स के साथ फिर एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। ये देखें बड़ा शानदार स्टॉप के साथ साथ जो है वो लेफ़्ट साइड पर हमारा बैरियर जो है वो लगना शुरू है, और उससे आगे आगे डिसमेंटले का काम भी जारी है। और चलिए साथ ही आपको डिसमेंटले का काम भी थोड़ा सा दिखाते हैं। चलें जी, कमज़ोर जिस्म को मोटा करने वाला जो ऐड था वो भी उखाड़ दिया गया है, अब कमज़ोर जिस्म कमज़ोर ही रहेगा। हकीम साहब की पब्लिसिटी जो है ख़त्म हो गई। ऐसे ही जैक हैमर जो है वो ये एग्जिस्टिंग जो बैरियर है जो बना हुआ ये साथ साथ ओवरऑल आगे तक डिसमेंटल करता जाएगा। अभी चूंकि काम लिमिटेड रह चुका है तो मशीनरी भी लिमिटेड है, और बाकी जो डस्ट और गर्द गुबार ज़्यादातर आप देख रहे हैं वो आवाम की तरफ से है। देखें बाइक, रिक्शा और दूसरी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक भी इसके ऊपर आ गई है। अभी ट्रकों का आना बाकी है, कंपनी के ट्रक तो खैर चल रहे हैं लेकिन बाकी ट्रकों का आना बाकी है, अदरवाइज़ जो है वो कसर बिल्कुल पूरी हो चुकी है। अब मैं छोटा सांदा वाले स्टॉप के पास पहुंच आया हूं, तो ये देखें जी ये एग्जिस्टिंग नाला जो है इसकी स्लैब भी ऊपर से डिसमेंटल कर दी गई है, इससे भी स्टील जो है रिमूव कर दिया गया है, और अभी यहाँ से जो इसकी एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट थी वो भी रिमूव हो चुकी है। बाकी रोड की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये देखें ये एस्फाल्ट भी रेडी किया जा रहा है, अभी जाते हुए भी आपको दिखाया था, यही छोटा सा टुकड़ा अभी बाकी रहता है यहाँ के एरिया का, बाकी इससे आगे भी
यही राइट साइड वाला रोड अभी रहता है जो एस्फाल्ट के लिए रेडी होना है, बाकी ओवरऑल रोड रेडी है। उसके अलावा साथ ही साथ सर्विस रोड के जहाँ जहाँ पर सर्विस रोड का बैरियर आना है वो भी लेआउट होना शुरू हो चुका है। ये देखें जी, यहाँ तक हमारा सर्विस रोड ये पूरा होगा और वो सर्विस रोड का हमारा जो है फुटपाथ होगा और वहाँ पे ये एग्जिस्टिंग आपकी जो ड्रेन, ये जो ड्रेन है ये उस तरफ को बनेगी और ये ओवरऑल गुलशन रावी टी चौक तक ये लगाए जाएंगे निशान। जहाँ तक निशान नहीं होंगे वो जगह फिर कंसीडर करी जाएगी कि उस जगह को डिमोलिश किया जाएगा। ये तो आज की एपिसोड मैंने यहीं से शुरू की थी और यहाँ से मैं गया हूँ हमारे पहले व्हीकुलर सब्वे तक, मस्जिद वाले सब्वे तक, फिर पहले व्हीकुलर सब्वे तक और काम की जो भी सूरत हाल थी वो आपको दिखाई है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल की नेक्स्ट एपिसोड में और फिर आपको बताएंगे क्या सूरत हाल है। बाकी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपकी राय का भी इंतज़ार रहता है। तो तब तक के लिए अल्लाह ने कहा।